खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत आशुतोष महाराज ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को ईडी के नाम पत्र सौंपा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर राज्यसभा सांसद और अन्य पद का लालच देकर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महंत आशुतोष ने जांच की मांग की। आशुतोष महाराज का ऐसा दावा है कि फोन पर बात करने वाला शख्स जिसने पैसे लिए वो अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी है, जिसका नाम विनोद चौधरी बताया जा रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सीधे तौर पर संजय सिंह का नाम भी लिया जा रहा है, जिससे ये मामला संगीन होता नजर आ रहा है। मैंने आज ईडी के नाम से जो प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली वहाँ एक पत्र दिया है कलेक्टर महोदया के थ्रू, उनके द्वारा पत्र भेजा है अरविंद केजरीवाल और उनके जो टीम के जो संजय सिंह हैं और अन्य उनकी जो टीम के लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मुझे राज्यसभा सांसद बनाने के नाम पर मेरे शिष्यों से जो ठगी की है, लाखों रुपए की हेराफेरी की है, इसके लिए मैंने ईडी से जो निष्पक्ष जांच की मांग की है और ये पत्र भेजा है और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और हमें उसका हमें न्याय मिले और जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, जो चीटिंग हुई है, जो षड्यंत्र कहता है, तो इसका मुकदमा लिखा जाए और निश्चित रूप से हमें न्याय मिले, हमारा रुपया लौटारा जाए। जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, वो निश्चित रूप से ये धोखाधड़ी और इस तरह से जो कूटरचित और जो भ्रष्टाचार का कार्यक्रम जो कारोबार चला रहे हैं, वो संत समाज में असंतोष व्याप्त है हमारे शिष्यों में और निश्चित रूप से हम लोग आगे तक लड़ाई लड़ेंगे और ईडी से मांग करते हैं कि हमें निष्पक्ष जाँच करके न्याय दिया जाए।